Hello everyone, I hope you all are well. Welcome you all to my arbitration class. My name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. I am going to teach you arbitration agreement in this lecture. So what is arbitration agreement? Arbitration agreement is defined as an agreement to submit present or future disputes टू आर्बिट्रेशन. तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्बिट्रेशन, व्हाई वन शुड चूज आर्बिट्रेशन रादर देन द नॉर्मल कोर्ट प्रोसीड्यूर्स. ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. अब सेक्शन 7 डिफाइंस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, The Arbitration and Conciliation Act, defines what is arbitration agreement. So let us discuss about this. Arbitration agreement एक ऐसा agreement है जो दो party agree करते हैं कि कोई भी present dispute अगर already arisen है या फिर अगर future में कोई भी dispute arise होते हैं, then we will go for the arbitration. This generic concept comprises two basic type. One, a clause in a contract by which the parties to a contract undertake to submit to the arbitration the disputes that may be arise in relation to the contract. This is called arbitration clause. And second type is an agreement by which the parties to a dispute that has already arisen submit the dispute to arbitration, submission agreement. Actually दो type के arbitration agreement होते हैं. एक तो है कि अगर उनके दोनों parties के बीच में कोई contract है या agreement है, in that agreement there is a clause that if there will be any type of future dispute or if there is already existing dispute, then we will go for the arbitration. This is the arbitration clause. But जब parties के बीच में dispute arise हो चुके होते हैं and उसके लिए एक submission करना है आपको agreement करके, then it will be called submission agreement. The model law defines the arbitration agreement in article 7.1 sub article 1, an agreement by parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ये दोनों पार्टीज़ के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है या फिर आर्बिट्रेशन में एक ऐसा सबमिशन है कि कोई भी अगर एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या फिर फ्यूचर डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो उसके लिए कोई भी एक लीगल रिलेशनशिप को ग्रो करना या फिर लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन को ग्रो करने के लिए एक समझौता कह सकते हो कि हम अगर हमें कोई भी हमारे बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम कोर्ट में ना जाकर आर्बिट्रेशन प्रोसेस पे बिलीव करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996, द फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट डिफाइंस व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेन फीचर्स व्हिच इज गिवन अंडर दिस सेक्शन. नंबर 1, द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट. सो व्हाट इज दिस? ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया था कि देयर मे बी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इट मे बी अ सेपरेट एग्रीमेंट और इट मे बी अ क्लॉज विद इन द एग्रीमेंट विच हैज़ बीन डन बिटवीन पार्टीज.
सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से भी दो पार्टी बना सकते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्पेशली कर सकते हैं, या फिर कोई भी पार्टनरशिप मान लीजिए, या फिर कोई भी बिजनेस के लिए जब दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट बनाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस कोई भी एक क्लॉज में अगर ये ऐड कर देते हैं कि फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए दे विल गो फॉर द आर्बिट्रेशन, इस क्लॉज में भी हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ आर्बिट्रेशन क्लॉज, इट मे नॉट बी एनी सेपरेट एग्रीमेंट। नंबर टू, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग। ऑफ कोर्स एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में ही होना चाहिए, एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेंड इन अ डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज। जो राइटिंग में होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसमें पार्टीज के सिग्नेचर चाहिए। An exchange of letter, telex, telegram or other means of telecommunication which provide a record of the agreement. हो सकता है कि वो पेपर में राइटिंग में ना हो, बट इट मे बी यू नो सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन लेटर्स, एक्सचेंज ऑफ लेटर, इट मे बी टेलीग्राम, इट मे बी अ टेलेक्स, या फिर कोई भी किसी भी तरीके के टेलीकम्युनिकेशन हो सकते हैं, जिसे भी हम लोग एज रिटन एग्रीमेंट ही मानेंगे। सी एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाई द अदर पार्टी। कोई भी अगर स्टेटमेंट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट में या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इस तरीके से कोई भी पार्टी क्लेम करते हैं कि हमारे बीच में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, देर इफ़ देर विल बी एनी डिस्प्यूट वी विल गो फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, और दूसरे पार्टी ने डिनाई नहीं किया है, उस केस में भी हम मानेंगे दैट इट इज़ अ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिकॉज अदर पार्टी हैज़ एग्रीड इन दिस पॉइंट। The reference to a contract to the document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and reference is such as to make that arbitration clause part of the contract. कोई भी अगर contract में written में अगर कुछ reference ऐसा होता दिया रहता है कि वहाँ पे एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है एंड दोनों पार्टी एग्री करते हैं, कोई भी पार्टी डिनाई नहीं करते इस बात को, तो दैट विल ऑल्सो बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। नाउ द लॉ एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में किस तरीके के लॉ एप्लीकेबल होता है। द लॉ एप्लीकेबल टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज द लॉ governing the questions relating to the formation, validity, enforcement and termination of the arbitration agreement. Different criteria for determining the law applicable to the arbitration agreement. We shall focus on the most common ones. Kuch laws hai, law ki hame kyu zarurat hai, kyunki arbitration agreement mein bahut जराइज हो सकते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेटर के टर्मिशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के टर्मिशन, उसके एनफोर्समेंट कैसे होगा, उसका वैलिडिटी कहाँ तक है, क्योंकि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट का जो वैलिडिटी है, एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस का क्या वैलिडिटी रहेगा, किस तरीके के आप आर्बिट्रल बेंच को कैसे फॉर्म करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड उसके लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉलो करना होते हैं, तो कुछ चीज़ों में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, दोज आर द लॉ चूजन बाय द पार्टीज। दोनों पार्टी ने अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ को चूज़ किया है, दैट विल बी एप्लीकेबल। द लॉ एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉ अप्लाई हुआ है। द प्रोसीड्यूरल लॉ एप्लीकेबल टू द आर्बिट्रेशन, द लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, द मॉडल लॉ, द न्यू यॉर्क कन्वेंशन। आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए हम ये सारे लॉ अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए पार्टीज, जिन लॉज के लिए पार्टीज ने एग्री किया है, जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो किया है, एंड प्रोसीड्यूरल लॉ अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडियन प्रोसीड्यूरल लॉ, इज अगर सिविल केस है तो ऑब्वियसली सिविल प्रोसीड्यूरल लॉ ही एप्लीकेबल होगा। एंड
अगर कोई भी स्टेट लॉ, जैसे स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो कोई भी अगर ऐसा लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये आर्बिट्रेशन प्रोसीड्यूर जिस स्टेट में हो रहा है वहाँ का लॉ ही फॉलो होगा, एंड मॉडल लॉ है एंड न्यूयॉर्क कन्वेंशंस के जो लॉज है वो भी अप्लाई होगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? द फर्स्ट वन इज़ इट मस्ट अराइज आउट ऑफ एन म्यूचुअल कंसेंट। ऑब्वियसली दिस इज़ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये वर्ड में ही एग्री ये वर्ड है, सो दोनों पार्टीज़ के म्यूचुअल कंसेंट में ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है। नंबर टू, द पार्टीज़ मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी। तो ये जो लीगल कैपेसिटी ये वर्ड है, ये लीगल कैपेसिटी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। देन दैट हु हाउ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, हु आर द यू नो वैलिड पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास लीगल कैपेसिटी होना चाहिए फॉर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी लीगल कैपेसिटी है, दैट विल बी द लीगल कैपेसिटी इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑल्सो। नंबर थ्री, एग्रीमेंट मस्ट बी मेड इन राइटिंग। ये भी हमने देख लिया था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में ही होगा। एंड इट मस्ट अराइज आउट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। कोई भी लीगल रिलेशनशिप, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप में ही आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। कोई भी इलीगल रिलेशनशिप में कभी भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी दो पार्टी अगर ये एग्री करते हैं कि कंस्पिरेसी करके कैसे हम दूसरों को चीट कर सकते हैं, दिस इज़ अ इलीगल थिंग, फॉर दैट यू कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड फाइव, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी आर्बिट्रल। जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वो ऑब्वियसली आर्बिट्रल होना चाहिए। दैट मीन्स उसको कोर्ट प्रोसीजर से या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूशन किया जा सके, इस तरीके का ही कोई भी सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट इज़ आउट ऑफ एनी ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ लॉ, इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन ऑफ कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता है। आर्बिट्रल सब्जेक्ट मैटर पे ही हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करेंगे या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे। नाउ वी विल सी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मैंने पहले ही बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने डिस्कस किया था, यू मे रिपीट द वीडियो फॉर दैट। आर्बिट्रेशन क्लॉज किस लिए होता है? फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट्स। इट इज़ शॉर्ट एंड ब्रॉड एंड प्रोवाइडेड क्लॉज इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन क्लॉज एक्चुअली कोई सेपरेट एग्रीमेंट नहीं होता है, एक मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू पार्टीज फॉर देयर दैट मे बी एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट मे बी एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस, एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड ब्रॉड। इट इज़ अ क्लॉज सिंगल और सम ऑफ द क्लॉज इन द मेन एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज सबमिशन एग्रीमेंट? सबमिशन एग्रीमेंट डिस्प्यूट विच हैव ऑलरेडी। आर्बिट्रेशन क्लॉज एक्चुअली होता है फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट्स, कि अभी वो डिस्प्यूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट सबमिशन एग्रीमेंट में जो डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइजन है उस डिस्प्यूट के लिए होता है। सॉरी। एंड देन इट इज़ डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक सेटिंग आउट ऑफ द एग्जैक्ट डिस्प्यूट एंड आफ्टर डिस्प्यूट अराइजन। डिस्प्यूट अराइजन के बाद होते हैं, जो कि अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एंड इट विल बी डिटेल्ड, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट एग्रीमेंट, सो इट विल बी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक। थैंक यू फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अदर थिंग्स लाइक सेक्शन 8 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।